सिंस द डे YouTube एग्जिस्टेड बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स आए और गए, पर YouTube वहीं टिका रहा। एंड वाज दैट YouTube became a platform जिसने सबको एक अपॉर्चुनिटी दी लोगों तक पहुंचने की और उन्हें एक क्रिएटिव फ्रीडम दी अपने हिसाब से अपने ऑडियंस को वो क्या दिखाना चाहते हैं। बट टुडे जब YouTube अदर OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कम्पीट किया जाता है फॉर एंटरटेनमेंट, वी एज द क्रिएटर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आर नॉट वेरी गुड एट कम्पीटिंग विद देम। पर जो कंटेंट ये प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं इनके साथ हम कम्पीट कर भी कैसे सकते हैं? हमारे पास इनके जैसे बड़ी प्रोडक्शन टीम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। मे बी द ट्रूथ इज इंडिपेंडेंट लोग भी उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है तो स्टोरी टेलिंग स्किल्स की। लोग वो देखना चाहते हैं जो क्रिएटर्स उन्हें दिखाना चाहते हैं, पर क्रिएटर्स वही बनाना चाहते हैं जो ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस देखना चाहती है। ऑन दी अदर हैंड ऑडियंस डजंट रियली नो कि वो देखना क्या चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कंज्यूम क्या करना है। ऐसे में क्रिएटर्स हर वो चीज़ करते हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करती है। I recreated every single set from Squid Game in real life. अब चाहे दो बॉक्सर्स की फाइट को लेके कंट्रोवर्सी हो या फिर दो रैपर्स के बीच में बीफ हो, PewDiePie वर्सेस टी सीरीज, YouTube वर्सेस TikTok, ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी YouTube पर बहुत जल्दी चलते हैं। पर क्या इसका सच में मतलब है कि ऑडियंस सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखना चाहती है? व्हाट दे रियली वांट टू नो इज द स्टोरी बिहाइंड इट, एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो हाउ टू क्रिएटिवली टेल अ स्टोरी। आज के टाइम पर अगर ऑडियंस Amazon और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के इस प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स को देखना चाहती है, सो डोंट यू थिंक कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी प्रोडक्शन को लेवल अप करें? और क्या हम सच में ये कर सकते हैं? रिसेंटली मैंने रायन एनजी फिल्म्स की ये वीडियो देखी। द क्रिएटर्स आर द आर्टिस्ट्स ऑफ आवर जनरेशन कैपेबल ऑफ यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म्स एज अ मशीन फॉर एम्पैथी, जिसमें उसने बात रखी हाउ इट कैन बी पॉसिबल फॉर व्लॉगर्स टू कम्पीट इन फिल्म फेस्टिवल्स और इवन द ऑस्कर्स, एंड दैट इज जस्ट बाई बिकमिंग गुड स्टोरी टेलर्स। और ये कोई फोर्स पॉजिटिविटी नहीं है, देर आर क्रिएटर्स जो कि एक्चुअली बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं और वो हमारे बीच ही हैं। क्रिएटर्स जैसे पारितोष आनंद, बस एक जिद की जरूरत है और वो कूट कूट के भरी थी यार। मोनीश दोलानी, प्रेजेंट यू द हार्ट ऑफ इंडिया। इरफान जुनेजो की मकबूलियत की वजह से उनको अपनी टीम में इजाफा करना पड़ा। कैमरा वाले भैया, शेर की दहाड़ की तरह हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए जब हमने लोगों को सुना था। एंड माय पर्सनल फेवरेट रॉनी एंड बार्टी, एक्चुअली गो थ्रू इट एंड कम आउट ऑन द अदर साइड व्हिच लुक्स आउट टू अ रियली नाइस व्यू पॉइंट। That is a fact कि इन लोगों के पास सब्सक्राइबर्स अभी कम है, पर अगर पैसा कमाने की भी बात करें तो इन लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है जितनी हो सकता है कि 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल्स की भी ना हो। इंडस्ट्री के टॉप एडवर्टाइजर्स भी इन्हीं के पास जाना चाहते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू क्रिएटिवली एंडोर्स देयर ब्रांड। देर आर अदर क्रिएटर्स जो इन्हीं से वीडियोज बनाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। अगर उनको आज कम लोग भी देख रहे हैं स्टिल उनके ऑडियंस में बहुत फर्क है। एग्जाम्पल ऐसे ही किसी मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल के कमेंट सेक्शन देख लेना, मोस्टली स्पैम कमेंट्स आपको मिलेंगे, बट किसी अच्छे स्टोरी टेलर के वीडियोस के कमेंट सेक्शन को आप चेक करोगे तो मोस्टली जेन्युइन अकाउंट से ही कमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि स्पैम भी नहीं है, इंस्टेड जेन्युइन फीडबैक्स हैं। इवन भुवन बाम इज वन ऑफ द क्रिएटर्स जो काफ़ी अच्छा है स्टोरी टेलिंग में, एंड हिज न्यू कंटेंट रियली रिफ्लेक्ट्स दैट। ऑल्सो अगर आप कंसिस्टेंटली अपलोड के लिए कुछ अपना फॉर्मेट बना भी लेते हो ताकि आपको वीडियोस बनाने में आसानी हो, फिर भी आपका वो एस्पेक्ट जरूर खत्म हो जाएगा जिसके लिए आपने YouTube को ज्वाइन किया था, द क्रिएटिव फ्रीडम। अगर कल को आपने कुछ नया ट्राई कर भी लिया तो आपकी ऑडियंस में से ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा, सो नेवर लेट देम एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट मूव एंड नेवर गेट देम बोर्ड। और अगर मैं अपने एम की बात करूँ तो अगर मेरी ऑडियंस कुछ अच्छी बिल्ड हो जाती है, आई डोंट वॉन्ट माई ऑडियंस टू एक्सपेक्ट कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बट मेरी ऑडियंस अगर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर भी रही है तो वो सिर्फ मेरे कंटेंट की क्वालिटी और वो मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स के ऊपर होनी चाहिए। इस सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल है, बट दैट डज नॉट मीन कि वी वॉन्ट बी एबल टू मेक इट। यू शुड स्टॉप बींग क्रिएटर्स एंड ट्राई टू बिकम आर्टिस्ट, मेक एवरी वीडियो लाइक इट्स एन आर्ट वर्क। सो अ न्यू वेव ऑफ यूट्यूब इज कमिंग, और आप या तो इस ट्रेन पर चढ़ सकते हैं या फिर साइड पर खड़े होकर इस ट्रेन को गुजरते हुए देख सकते हैं, दैट्स अप टू यू।